मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें केजरीवाल ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। उन्होंने अपनी याचिका के जरिए गिरफ्तारी और ईडी रिमांड का विरोध किया था। इस दौरान हाई कोर्ट ने केजरीवाल को झटका देते हुए कहा कि जांच एजेंसी द्वारा एकत्रित सामग्री से पता चलता है कि केजरीवाल ने दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर पूरी साजिश रची थी। जी हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें केजरीवाल ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। उन्होंने अपनी याचिका के जरिए गिरफ्तारी और ईडी रिमांड का विरोध किया था। इस दौरान हाईकोर्ट ने केजरीवाल को झटका देते हुए कहा कि जांच एजेंसी द्वारा एकत्रित सामग्री से पता चलता है कि केजरीवाल ने दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर पूरी साजिश की थी। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि केजरीवाल न सिर्फ इस पूरी साजिश में शामिल थे बल्कि रिश्वत लेने और इस क्राइम को लेकर जो चीजें हुई वो उसमें भी शामिल थे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में केजरीवाल खुद शराब नीति बनाने के साथ साथ रिश्वत का पैसा जमा करने में भी शामिल थे। इस केस में जो बयान दर्ज हुए हैं यह स्टेटमेंट अदालत के समक्ष दर्ज किए गए थे। हाईकोर्ट ने इस दौरान स्पष्ट शब्दों में कहा कि अदालत कानून से चलती है, सियासी दबाव से नहीं। सूत्रों की माने तो अब आम आदमी पार्टी हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा को खटखटाएगी। जी हां, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यह याचिका जमानत के लिए नहीं बल्कि हिरासत को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी गलत है। एकत्रित सामग्री से पता चलता है कि केजरीवाल ने दूसरों के साथ मिलकर साजिश रची और रिश्वत लेने और आपराधिक आय जुटाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। केजरीवाल बतौर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक कथित तौर पर दो तरह से इस पूरे मामले में शामिल थे। वह व्यक्तिगत रूप से शराब नीति बनाने और रिश्वत के पैसे जुटाने में शामिल थे। आपको बताते हैं केजरीवाल की याचिका पर फैसले की बड़ी बात जिसमें गवाहों के बयान अदालत के समक्ष दर्ज किए गए थे। अप्रूवक के बयानों और माफी देने पर सवाल उठाना न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाने जैसा होगा। जांच किसी व्यक्ति के सुविधा के अनुसार नहीं चल सकती है। जांच के दौरान किसी के घर जा सकती है। गिरफ्तारी की वैधता पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी और रिमांड के कानून पर विचार करते हुए केजरीवाल की गिरफ्तारी की जाँच करनी होगी। तो वही कोर्ट ने कहा कि ईडी के पास बहुत सारे सबूत है, इसमें हवाला डीलरों के बयान, अप्रूवर्स के बयान, इसके अलावा आम आदमी पार्टी के सदस्यों के बयान भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि उसे गोवा चुनाव में खर्च के लिए पैसे दिए गए थे या गोवा चुनाव के संबंध में मनी ट्रेल को पूरा करता है। केजरीवाल की गिरफ्तारी कानून का उल्लंघन नहीं है और दिल्ली सीएम के रिमांड और अवैध नहीं कहा जा सकता है। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में गिरफ्तार हुए हैं, मुख्यमंत्री समेत किसी को भी कोई विशेष विशेषाधिकार नहीं है और यह नहीं किया जा सकता है। जांच और पूछताछ के मामले में कोई व्यक्ति भले ही सीएम क्यों ना हो उसे विशेष छूट नहीं दी जा सकती है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की उस दलील को भी नकारा है जिसमें उनसे पूछताछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी हो सकती थी। हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी गिरफ्तारी का समय तय करती है। वही आपको बताते चलिए कि हाईकोर्ट ने कहा कि जज कानून से चलते हैं, राजनीति से नहीं। निर्णय कानूनी सिद्धांतों पर लिखी जाते हैं, ना कि राजनीति संविधता पर। कानूनी निर्णय के दायरे में अदालतों को केवल कानून की व्याख्या करने का काम सौंपा गया है, ना कि राजनीति में जाने का। राजनीति विचारों को कोर्ट में नहीं लाया जा सकता। मामला केंद्र सरकार और केजरीवाल के बीच का नहीं है या केजरीवाल और ईडी के बीच का है।